गदर एक प्रेम कथा तो हर किसी को याद होगी। रोमांटिक लव स्टोरी पर बेस्ड यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। फिल्म गदर में एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया। तो वहीं दोनों के बेटे का किरदार निभाया एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने। जी हाँ, फिल्म गदर में जीतू का किरदार निभा चुके उत्कर्ष शर्मा आज इतने बड़े हो चुके हैं कि अपनी नई फिल्म लेकर आने वाली। दरअसल बता दें कि उत्कर्ष शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जीनियस की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन में वो पूरे जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। वहीं उन्हें आज सनी देओल के बेटे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गौरतलब है कि फिल्म गदर में उत्कर्ष सनी देओल के बेटे का किरदार निभा चुकी हैं। वहीं हाल ही में अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान उत्कर्ष ने काफी सारे राज खोले हैं, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने कॉलेज में लोकल ट्रेन से सफर किया करते थे। जी हाँ, इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी उत्कर्ष शर्मा लोकल ट्रेन से अपने घर जाया करते थे, जबकि उनका घर कॉलेज से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हुआ करता था। तो जानिए और क्या कुछ कहा है उत्कर्ष शर्मा ने अपनी आने वाली फिल्म जीनियस को लेकर, तो साथ ही साथ अपनी कॉलेज लाइफ को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। जो सटायर उन्होंने रचा है आज की दुनिया में एंड आज के भारत में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो हाईलाइट किया है उन्होंने, दैट इज़ ब्रिलियंट एंड ही ऑल डिजर्व अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑल द परफॉर्मेंसेस वर अमेजिंग, लाइक यू ऑल डिड अ रियली अमेजिंग जॉब एंड ऑल द परफॉर्मेंस वर यू नो वेरी एंगेजिंग, लाइक there wasn't a moment when you know I was like distracted or something, and definitely it was very you know motivating and very engaging. So I'm really happy to be here and I'm really glad that I got to witness such an amazing performance and such an amazing talent. Amazing, just I have no words for them. Let's give them a huge round of applause, everybody. Now, talking about the movie Genius, I mean, we've seen the trailer. It is absolutely stunning, especially all the action scenes that are there in the trailer have been, you know, picturized, and they've done it so well. So what was the prep for basically the action part of the film? Most of the stunts you see in the film are real. Sachi mein 100 feet ki height se kudaya gaya mujhe. Sachi mein bike ke stunts kiye hain. We did a lot of prep. जो हमारे मास्टर जी हैं अब्बास सर, उनके साथ काफ़ी कोरियोग्राफी वगैरह थी। रॉ एजेंट्स, असली रॉ एजेंट्स के बीच में मैं रहा एंड उनकी दुनिया थोड़ी बहुत समझी जितना मैं बता सकता हूँ। तो नवाज सर भी हैं इसमें एंड आई एम श्योर यू ऑल गाइस आर ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क, एंड उन्होंने भी काफ़ी एक्शन किया, काफ़ी रियल स्टंट्स उन्होंने भी किए हैं इसके लिए। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। So as far as working with Nawazuddin Siddiqui is concerned, ladies and gentlemen, of course I'm sure all of you all have seen Sacred Games by now. All right, so can we have a huge round of applause for Nawazuddin Siddiqui? He couldn't be here with us today because of his schedule, but then I'm sure that he's going to kill it in this movie with his role. So tell us, Utkarsh and Ashita, how was it working with Nawaz sir? I mean, you guys are working with him for the first time. How was this experience? See, Nawaz sir is a legend for a reason, because jab wo aate hain set pe तो 12 घंटा जो वो सेट पे रहते हैं 12 घंटा अपने कैरेक्टर में रहते हैं एंड ही इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन दैट ही डजंट एक्ट फॉर हिज परफॉर्मेंस ही एक्ट्स फॉर द सीन ही एक्ट्स फॉर द फिल्म वजन देख के मर जाना आता है जितना बेहतर हो परफॉर्मेंस जितनी दूसरे एक्टर की बढ़िया बस बस बेहतर सीन होगा उतनी बढ़िया फिल्म होगी सो आई एम मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो उनके साथ पहली फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला So I'm very thankful to him, and he has given another electrifying performance. Jo confrontation scenes hain is film mein, do geniuses ki ladai hai jinko nahi pata, ek main genius aur wo ek super genius play kar rahe hain, to ye baazuon se zyada mind games ki ladai hai, kuch naya hai, and I'm sure ye sab aapke dilon ko bhi dhadkayega and dimag ko bhi daudayega. Kya baat hai, ladies and gentlemen. चलिए बस उत्कर्ष क्या कहना चाहेंगे ये कॉलेज इवेंट के बारे में, उमंग काफी पॉपुलर है और काफी जो इंस्पिरेशनल था काफी उनका जो प्ले था उसके बारे में कहना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उमंग का मैं हिस्सा रह चुका हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम का जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वापस यहाँ पे आना एक तरीके से मेरे लाइफ फुल सर्कल आ गई है। मैंने भी इसी स्ट्रीट प्ले में अपनी शुरुआत की थी, इसी में भाग लिया था
एंड आज उसको जज करने का मौका मिला तो बहुत ही ऑसम था, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, मैं मानता हूँ जब हम कॉलेज में थे इतने जागरूक नहीं थे, वो इतने ज़्यादा जागरूक थे, इतने अच्छे सोशल मैसेजेस हमें याद दिला रहे हैं, बोल रहे हैं सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करना चाहिए हमें, तो सच में मोटिवेटिंग था, इंस्पायरिंग था। एंड सभी ने, हार जीत इसमें किसी की नहीं होती, क्योंकि सब ने सही कहा है, एंड इसलिए सबकी जीत है यहाँ पे। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट। आपको किस तरह से लगा प्लेयर होटल? मैंने अभी बताया, इट वॉज लाइक आई ऑलवेज लव स्ट्रीट प्लेस एक्चुअली, एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन। एंड लाइक उत्कर्ष मेंशन दैट इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। और कभी मतलब दे हैड पोर्ट्रेट द मैसेज सो वेल, एंड यू नो डेफिनेटली इट वॉज वेरी एंगेजिंग, एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यू नो इवेंट, एंड डेफिनेटली इट्स लाइक the best feeling so yeah play karna kitna difficult hota hai utkarsh aapne kiya hua hai chalo thoda bataye ji play karna behad difficult hota hai it is more harder than acting on camera because aapke paas ek hi mauka hota hai to get everything right and इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, बॉम्बे में कोई शांत जगह तो कभी मिलेगी नहीं। जैसे देखिए इंटरव्यू में भी फ़ोन बच गया किसी का, तो इन सब इस माहौल के बीच में आपको अपनी परफॉर्मेंस, आपकी बात कहनी है, उसमें बहुत एनर्जी लगती है एंड बहुत मेंटल फोकस लगता है, तो प्ले करना कोई आसान बात नहीं है। इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम श्योर अगर ये लोग इस फील्ड को परस्यू करते जाएं तो बहुत आगे जाएंगे। मैंने एक्चुअली किया नहीं है, मैंने बस देखा है डेफिनेटली। हाँ, वो डेफिनेटली जी जी, और जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, नवाज कर दीजिए, इरफान खान, ये सब थिएटर से आए हुए देखा जाए, तो आप मुझे लाइक आई वुड डेफिनेटली यू नो लव टू डू इट मोर देन वंस एक्चुअली, अभी चांस मिलेगा तो आई वोंट मिस इट। और ये भी कहना चाहूंगा, ये जो प्ले था इसमें मीडिया और थोड़ा सा नेगेटिव आस्पेक्ट में दिखाया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे कि न्यू कमर्स हों, जो एक्टर्स होते हैं वो स्टार्स बनते हैं, फिर सुपर स्टार्स बनते हैं, उसमें मीडिया का काफी कंट्रीब्यूशन रहता है। जी जी जी, तो आप मानते हैं इस बात को, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट, बिकॉज़ एक्टिंग टैलेंट तो जरूरी है, लेकिन व्हाट यू गेट द स्टेटस है? यस यस, मीडिया देखिए हर चीज की के दो पहलू होते हैं। मैं मानता हूँ कि मीडिया डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, एंड कई बार मीडिया ही हमें सही जगह तक पहुंचाता है, जहां पे हम शायद अगर केरला के जो फ्लड्स हैं उस पर जो सोशल मीडिया पे इंटरनेट के मीडिया ने जितनी कवरेज दी है उतना उतना शायद टीवी की मीडिया नहीं दे पा रही। तो मीडिया बढ़ चुका है, एक कुछ मीडिया डेफिनेटली है जो सही काम करता है, एंड उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। जो मीडिया बस TRP के चक्कर में है वो मीडिया तो गलत राह पे है, डेफिनेटली एक डिवाइड ज़रूर है, बट मीडिया अच्छा भी है तो बुरा भी है, मेरा तो एकदम बीच में इसका आंसर रहेगा। इसी तरह मीडिया का एक्चुअली जो भी इन्होंने कहा वैसे बराबर है, एंड मैं एक बात बोलूँगी कि एवरी वेयर इट इज़ गुड एंड बैड, तो वैसे मीडिया का भी वैसा ही होगा, एंड बट या गुड मीडिया इज विथ यू नो helps and grows better, and you know it's something we should always what do you say, support, yeah support. College की कोई memory हम जो share कर सकते हैं, आप क्योंकि college में आए हुए हैं, पुरानी यादें ताजी हो गई रहेंगी। जी मैं एक साल यही NM college में था, तो यहाँ पे काफ़ी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे local train, यहाँ से हर कहीं पे भी जाना होता local train से ही आता जाता था, एंड जबकि घर मेरा 10 मिनट दूरी है, फिर भी मैं यहाँ पे लोकल ट्रेन का एक उस टाइम था कि बॉम्बे खुद एक्सप्लोर करना, एक रिबेलियस नेचर आ गया था उस समय, तो यहाँ पे पहले बहुत दुकानें होती थी डोसा की, इसकी पावड़ा की वगैरह, वहाँ पे मेरे नाश्ते लंच सब होते थे, एंड मतलब बहुत बहुत मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर शहर से, हर इंडिया के हर छोटे से छोटे शहर के भी लड़के आते थे, लड़कियाँ आती थी, जिनसे आप जब इंटरेक्ट करते थे आपको आपका माइंडसेट और खुलता था, आपको देश के बारे में और पता रहता था कि किस तरह के लोग इंडिया में फैले हुए हैं, तो इस कॉलेज ने कहीं ना कहीं मेरे डेवलपमेंट में बहुत मदद की।
एक्चुअली ये मेरे लिए पहला रियल लाइफ कॉलेज एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज के पहले मैंने कभी यू नो ऐसे कॉलेज में जाके स्ट्रीट प्लेज या फिर लाइव कोई भी प्ले ऐसे देखा नहीं था. सो डेफिनेटली दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स द बेस्ट वन, सो आई एम रियली ग्लैड. इसके अलावा केरला में बाढ़ आई थी, क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, जीनियस की पूरी टीम की तरफ से जीनियस ने एक हमारे प्रोड्यूसर्स दीपक मुखर्जी एंड मैंने भी एंड डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, हम सब ने एक इनिशिएटिव उठाया है कि हमारी फिल्म का कुछ भी प्रॉफिट एंड कुछ भी एक सर्टेन परसेंटेज केरला फ्लड रिलीफ फंड में जाएगा. मैंने भी अपना जो जितना भी रेम्यूनरेशन थी उसके टूवर्ड्स लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये देश की बात है, केरला भारत का ही हिस्सा है एंड हर भारतीय मैटर करता है. तो मेरी आपसे, मेरी और इशिता दोनों की आपसे यही अपील है कि आप सब भर भर के डोनेशन दें. अगर भर के नहीं दे पाते थोड़ा सा भी चलेगा, क्योंकि सब जिंदगियों को अफेक्ट करता है ये फ्लड एंड सबकी जिंदगी को में काम आएगा. केरला बहुत अहम हिस्सा है भारत का. इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने इंगेजमेंट कर ली है, क्या गुरुशिद देना चाहेंगे? जी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, क्योंकि वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं एंड निक जोनस कमाल के सिंगर हैं. तो जिन दोनों के मैं और इशिता फ़ैन हैं, जब वो दोनों मिल गए तो फिर भाई हम लोग को खुशी हो रही है एंड उम्मीद करते हैं उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा एंड ब्राइट रहेगा. कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर. चलिए, थैंक यू. थैंक यू. आज आप आ रहे हैं ना, वी हैव सम